नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ऐसे में सभी को इंतजार है कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन कब आएगी। इस बीच पहली बार मोदी सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं वो वाकई कुछ राहत दे सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन अगस्त महीने तक आ सकती है। पहली बार सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये जानकारी दी है। आपको बता दें, इससे पहले बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सितंबर तक आने की संभावना जताई गई थी। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में कहा था कि सितंबर तक बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें, देश में जायडस कैडिला की बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल अंतिम चरण में है। वहीं भारत बायोटेक भी बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है। भारत बायोटेक तीसरे चरण के परीक्षण में जुटी है। अगर ट्रायल के नतीजे सफल रहे तो बच्चों की कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल सकती है। बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल पटना और दिल्ली एम्स में हो चुके हैं। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पहले ही देश भर में आपातकालीन मंजूरी मिलने के बाद वयस्कों को टीका लगा रही है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन कोवावैक्स के परीक्षण की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें, दुनिया भर में अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। हालांकि फाइजर ने भारत में प्रवेश को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट की शर्त शामिल है। वहीं यूरोपीय संघ की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।